हे गाइस, वेलकम बैक टू शीज वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी माउथ फ्रेशनर, जो कि ताजे पान से तैयार किया गया है और आप इसे 3 महीने के लिए फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3 से 4 ताजे पान के पत्ते लेने हैं। इसे हमें साफ पानी से अच्छे से धो के एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ लेंगे और लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे सूखने के लिए रख देंगे, जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। जब पान अच्छे से सूख जाएगा तो इसे फोल्ड करके इसके पीछे की डंडी को कट कर देंगे और इसे फोल्ड करके इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसी तरीके से हमें सारे पान काट लेने हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देखिए, सारे पान कट कर लिए हैं। अब एक बाउल में 4 चम्मच प्लेन सौंफ, 4 चम्मच मीठी सुपारी, 2 चम्मच गुलकंद, 4 चम्मच मीठी सौंफ और जो पान के पत्ते हमने कट करके रखे हुए थे वो भी इसमें डाल देंगे। अब हाथ की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें इलायची और लौंग भी डाल सकते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से इसी तरीके से मिक्स करना है। और ये देखिए, ताज़े पान से बना हुआ माउथ फ्रेशनर तैयार है। इसका टेस्ट बिल्कुल मीठे पान जैसा आता है। आप इसे डिब्बी में भर के फ्रिज में रख दीजिए। इसे आप 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं।